हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के हिंदी का मॉडल टेस्ट पेपर 3। तो आइए पेपर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो हम देख लेते हैं कि हमें जो है वो बहुविकल्पिक प्रश्न जो है वो दिए गए हैं। मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई क्या है? तो मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई जो है वो ध्वनि होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से रोमन लिपि में लिखी जाने वाली भाषा का नाम लिखिए। तो इसमें से मेरे अकॉर्डिंग जो है वो फ्रेंच है। एक बार आप आंसर जरूर चेक कर लेना। फिर ये जो आपको वर्ण विच्छेद दिए गए हैं, ये कौन सा शब्द जो है वो बना रहे हैं? तो ये आश्चर्य बना रहे हैं। ठीक है, इसके बाद लेखक लेखन में प्रयोग किए जाने वाले लिपि चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहा जाता है? तो उसे लिपि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा गया है कि कबीर के अनुसार ईश्वर किसके हृदय में वास करता है? तो सच्चे व्यक्ति के हृदय में वास करता है। मुश्किल काम करके कर्मवीर व्यक्ति दूसरों के लिए क्या बन जाते हैं? उदाहरण या आदर्श, कुछ भी आएगा तो उस पर टिक करोगे। पेड़ ने क्या सीख प्राप्त की? कि मरण जो है वो ही धर्म है। पांच मरजीवे कविता में दशम नानक किसे कहा गया है? तो यहाँ पर जो दशम नानक है वो गुरु गोविंद सिंह जी को कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो पद्यांश दिया गया उसे ध्यान से पढ़कर जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है उसके आंसर करने हैं। पद्यांश में किसके फूल संचित होने की बात कही गई है? तो यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई की। ठीक है, वीर बाला अंत तक किसके खिलाफ लड़ती हुई शहीद हुई? तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी। पद्यांश में स्मृतिशाला शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अजायब घर। पद्यांश में आहुति शब्द का क्या अर्थ है? आहुति का अर्थ है बलिदान। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दे। मुहावरा अकल चकराना, तो इसका मतलब है कुछ भी समझ में ना आना, लगातार होना। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है? तांता बांधना। मुसीबत पड़ने पर प्रयत्नशील होना, तो आग लगने पर कुआं खोदना। ठीक है, नेक्स्ट आपको एक गद्यांश दिया गया है उसे ध्यान पूर्वक पढ़कर जो है वो उसके आंसर जो है वो लिखने हैं। लेखक के अनुसार ये संसार पानी का बुदबुदा है। ठीक है, तो जल का बुदबुदा या पानी का बुदबुदा एक ही चीज है, तो ये सही है। लड़की को किस बात पर खेद था? तो लड़की को जो है सब ब्रह्मांड ब्रह्मा का है और इसलिए तो किसी व्यर्थ व्यथा सह रही है। रेत का तेरा भार क्षणिक है, क्षण के क्षण में लुप्त हो जाएगा। तो लड़की को किस बात पर खेद था? इसका आंसर जो है बच्चों आप अपने आप फाइंड आउट करो। ठीक है, लेखक ने किसे परमात्मा का केवल साधन मात्र जो है वो कहा है? तो लेखक ने जो है वो रेत का, यहाँ पर है इसका आंसर। ठीक है, तो परमात्मा का केवल साधन मात्र है तो ये है, जिसने लात मारकर उसे तोड़ा है वह तो परमात्मा का केवल साधन मात्र है। ठीक है, इसके बाद है क्षणिक शब्द का जो है वो अर्थ है अधिक समय तक। तो क्षणिक होता है वो थोड़े समय तक होता है, तो ये गलत हो गया। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? तो ये संसार, मतलब कि संसार जो है वो क्षण भंगुर लिख दो चाहे आप। ठीक है, तो जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग ठीक लगता है शीर्षक वो आप लिख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो वो जो है वो आपको बोला गया है दंड शब्द का निम्नलिखित में से सही वर्ण विच्छेद जो है वो चुनना है। ठीक है, तो दंड जो है वो ये बनेगा। इसके बाद मिलान करें तो यहाँ पे कक्षा, कक्षा बन रहा है ये। ठीक है, इसके बाद तत्सम शब्द अग्नि का उद्भव शब्द क्या होगा? ठीक है, तो अग्नि का जो है वो आग बनेगा। शब्द के शुरू में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? उपसर्ग। मूल शब्द अपेक्षित का सही प्रत्यय क्या है? तो अपेक्षित का सही प्रत्यय जो है वो अपेक्षा प्लस इत। ठीक है, तो ये वाला सही है। फिर है ये जो शब्द, ये आपको ब्रैकेट में दिया गया है, ये चिन्ह का कोष्टक चिन्ह के अंदर लिखा गया वो क्या है? वो विस्मयादि बोधक का चिन्ह है। ठीक है, रैपलिंग का क्या अर्थ है? तो रैपलिंग का अर्थ होता है ऊंची चट्टान अथवा हिमखंड से एक नायलॉन की रस्सी के सहारे कुछ ही क्षणों में नीचे आना, उसको रैपलिंग कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ग्राहकों को किस तरह अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाता है? तो रेडियो अथवा टेलीविजन पर विज्ञापनों के द्वारा ग्राहकों को जागरूक किया जाता है। शिवाजी पर स्त्री को किसके समान मानते थे? तो वो माता के समान मानते थे। पवन देव ने ऑक्सीजन कम होने का क्या कारण बताया? तो उन्होंने कारखानों इंजनों में आग का प्रयोग होने से ऑक्सीजन कम हो रही है ये कारण जो है वो बताया। ठीक है, जो भाग ख है इसमें आपको किसी तीन प्रश्नों के उत्तर जो है वो देने हैं, दो और ये दो दो नंबर का जो है वो प्रश्न है। ठीक है, नीरू की माँ उसे काम करने से क्यों रोकती थी? तो नीरू की माँ उसे काम करने से इसलिए रोकती थी क्योंकि नीरू बहुत कोमल तथा प्यारी थी।
उसके हाथ बहुत ही सुंदर थे। घर के काम करने के बारे में वह नीरू को कहती थी कि यह सब काम तेरे करने के नहीं, हम अनपढ़ औरतें तो जानवर होती हैं। और माँ अपने हाथ खोलकर दिखाती, मोटी खुरदरी उंगलियां, कटी फटी चमड़ी और टेढ़े मेढ़े नाखून। तेरे हाथ ककड़ी के समान है, इनकी 5 उंगलियों में 5 अंगूठी डालूंगी ना कि तुझे तुझसे काम करवाऊंगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौरेबी के अस्पताल से आए पत्र को पढ़कर पत्नी क्यों परेशान हो गई? नौरेबी से आए पत्र को पढ़कर पत्नी इसलिए परेशान हो गई क्योंकि वह पत्र उसके पति का था। उसका पति बहुत ही बीमार था, उसके शरीर का रोग काबू से बाहर होता जा रहा था। रंगभेद के कारण उसे यूरोपियन अस्पताल में जगह मिलने से भी बहुत कठिनाई उठानी पड़ी थी। काफी कुछ कहने कहलवाने के बाद उसे अस्पताल में जगह मिल पाई थी और डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दी थी। अब उसके बचने के आसार बहुत ही कम थे। ऐसे समय में उसे अपने बच्चे और पत्नी बहुत याद आ रही थी। जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, शाम को चिड़िया लेखक के कमरे में कैसे पधार जाती है? लेखक दिन भर दफ्तर में काम करने के बाद शाम को पढ़ने लिखने के लिए अपने कमरे का दरवाजा खोलकर बैठ जाता है। वह लिखते पढ़ते समय अपनी किताबों की दुनिया में इतना खोया हुआ होता था कि कमरे में और क्या हो रहा है उसे पता ही नहीं चलता। चिड़िया लेखक के कमरे का दरवाजा खुला होने के कारण तथा उसके किताबों में रमे होने के कारण कमरे में पधार जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नशा करने से कौन कौन सी भयंकर बीमारियां होती है? तो नशा करने से एड्स, हेपेटाइटिस, वातस्फीति, दमा, खांसी आदि भयंकर बीमारियां होती है। वन किस प्रकार हमारे लिए लाभकारी है? वन हमारे लिए बहुत लाभकारी है। वन से हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है। वन वर्षा लाने में सहायक है। इससे अनेक उपयोगी वनस्पतियां और औषधियां जो है वो मिलती है। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें जो है वो आपको जो है वो किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 6 या 7 वाक्य में देने हैं और ये टोटल 12 नंबर का है। ठीक है, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, ये आंसर जो है वो आप अपने आप फाइंड आउट करें। भाग ग जो है इसमें पंजाबी वाक्यों को किसी 5 वाक्यों का आपने हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, भाग घ जो है किसी एक विषय पर आपने जो है वो पत्र लिखना है। स्टेडियम में क्रिकेट मैच देखने के लिए अपने चाचा जी को पत्र लिखे या फिर अपनी सहेली को सर्दियों की छुट्टियां अपने घर में बिताने के लिए पत्र लिखे। ठीक है, जो भाग ण है इसमें एक विषय पर अनुच्छेद लिखना है। जेल के प्रयोग प्रयोग में व्यवहारिकता, हिंदी भाषा की उपयोगिता या दहेज प्रथा एक सामाजिक कलंक। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ये वीडियो हो जाती है हमारी खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको मैं रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।